तो जब हम अपने कंप्यूटर में विंडो 10 या 11 को इंस्टॉल करते हैं तो हमको अपने डेस्कटॉप पे बाय डिफॉल्ट दो आइकन मिलते हैं, रिसाइकल बिन और माइक्रोसॉफ्ट एज का। तो यहाँ पे कुछ आइकन्स मिसिंग हैं या फिर हाइड हैं, जैसे कि दिस पीसी, यूज़र फाइल, नेटवर्क और कंट्रोल पैनल का। तो अगर हमको उन सभी आइकन्स को यहाँ डेस्कटॉप पे अपने शो करना है तो वो कैसे करेंगे, तो आइए इसको समझते हैं। तो इन आइकन्स को शो कराने के लिए हमको पर्सनलाइजेशन की सेटिंग्स में जाना पड़ता है, और पर्सनलाइजेशन की सेटिंग्स ओपन करने के दो तरीके हैं। पहला शॉर्टकट तरीका तो यह है कि आप डेस्कटॉप पे कहीं पे भी राइट क्लिक कीजिए तो सबसे नीचे आपको पर्सनलाइज के नाम से एक ऑप्शन मिलता है। तो जब आप इस पर क्लिक करके उसको ओपन करते हैं तो आप पर्सनलाइजेशन की सेटिंग्स में आ जाते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि आप विंडो की सेटिंग्स को ओपन कीजिए और यहाँ पे आपको पर्सनलाइजेशन के नाम से एक टैब मिलेगा। तो जब आप इस पर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो आप पर्सनलाइजेशन की सेटिंग्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे आपको कुछ टैब या ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि बैकग्राउंड, कलर्स, लॉक स्क्रीन, थीम्स और फॉन्ट्स। तो हमको यहाँ पे थीम्स वाले टैब को ओपन करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड टॉप पे एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स के नाम से। तो जब आप इस पर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने एक मेनू ओपन हो जाएगा, और इस मेनू में आपको डेस्कटॉप आइकन्स के नाम से एक टैब मिलेगा। तो यहाँ पे आप कुछ नाम पढ़ पा रहे होंगे, जैसे कि कंप्यूटर, यूज़र फाइल, नेटवर्क और कंट्रोल पैनल। तो ये हमारे आइकन्स के नाम हैं, और इनके आगे जो बॉक्स है ये इनका सिलेक्शन है। तो जिन भी आइकन्स को आप अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पे शो कराना चाहते हैं तो उस नाम के आगे जो बॉक्स है, तो जब आप उस पर क्लिक करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि दिस पीसी के नाम से एक आइकन यहाँ पे शो हो गया है। तो दिस पीसी आइकन जो है वो यहाँ पे कंप्यूटर के नाम से है, और ऐसे ही हमको बाकी के आइकन्स को अगर यहाँ डेस्कटॉप पे शो कराना है तो उसको हम वन बाय वन सेलेक्ट कर लेंगे, और अप्लाई पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये सभी आइकन्स हमारे डेस्कटॉप पे यहाँ पे शो होने लगेंगे। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करके इस मेनू को बंद कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आप अपने डेस्कटॉप के हाइड आइकन्स को शो करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो काम का लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल टेक्नो चैट रूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।